आइए आज बनाते हैं वेजिटेबल पोहा कटलेट। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने इसे बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज, 1/2 कप फ्रांस बीन कटा हुआ, 1/2 कप कटी हुई गाजर, 1 शिमला मिर्च और 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 कप हरी मटर ली है, 1 कप पोहा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 कप ब्रेड क्रम्ब। सबसे पहले हम पोहे को धोकर उसका पानी छानकर उसे 5-7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और अपने आलू को कद्दूकस कर लेंगे। 3 चम्मच मैदा लेंगे, उसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च मिलाकर पतला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और भीगे हुए पोहे को हम हाथ से थोड़ा मसल लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें पहले प्याज डालेंगे, 1-2 मिनट भूनेंगे। फिर हरी मिर्च और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसे भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर गाजर और मटर डालेंगे। इसके बाद हम लिड लगाकर 3-4 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। तीन चार मिनट बाद लिड हटाकर उसमें सारे मसाले 1-1 करके ऐड करेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारे मसालों का कच्चापन निकल जाए। फिर सारी सब्जियों में कसे हुए आलू और भीगे हुए पोहे मिलाएंगे। सभी को अच्छी तरह मिलाकर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और इस मिश्रण को ठंडा करने रख देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम अपने हाथ पर थोड़ा ऑयल लगाकर इस मिश्रण के कटलेट बनाएंगे। कटलेट आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप के बना सकते हैं।
जब सभी कटलेट तैयार कर लेंगे फिर एक पैन में तेल गरम करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब अपने बनाए हुए कटलेट को मैदा के घोल में डिप करेंगे और निकाल कर उसे ब्रेड क्रम में लपेट देंगे। फिर फ्राई करेंगे जब तक हमारे कटलेट क्रिस्पी ना हो जाए। फिर उन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब उन्हें हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है हमारे चटपटे टेस्टी कटलेट। आप इन्हें जरूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ।